आज्ञाकारी शिष्य। एक ऋषि के आश्रम में बहुत से शिष्य शिक्षा पा रहे थे। उनमें मेघवाहन नामक एक राजकुमार भी था। राजकुमार की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। अपने पुत्र को गुरु के आश्रम से ले जाने के लिए राजा स्वयं आश्रम पर आए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपने पुत्र को देखने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार बुलाया गया। जब गुरु के आश्रम से विदा होने का समय आया तो राजकुमार ने अपने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया। कोई आशीर्वाद न देकर गुरु ने उससे कहा, मेघवाहन कुटी में जाकर मेरी छड़ी तो ले आओ। राजकुमार मेघवाहन ने छड़ी लाकर आचार्य के हाथ में दी। आचार्य ने एकाएक चार छड़ी कसकर राजकुमार की नंगी पीठ पर जमा दी। राजकुमार की कोमल पीठ पर चार लकीरें खींचाई। उसके बाद आशीर्वाद देते हुए आचार्य ने राजकुमार से कहा, वत्स तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी हो, वैभवशाली और विजयी बनो। अब पिता के साथ अपने घर जाओ। राजकुमार मेघवाहन ने शीश झुकाकर गुरु की आज्ञा मान ली और आचार्य के चरणों में पुनः प्रणाम करके पिता के निकट आकर खड़ा हो गया। लेकिन राजा को यह सहन न हो सका। उन्होंने आचार्य से कहा, अपराध क्षमा करें, आपने अकारण ही निर्दोष बालक को क्यों पीटा, यह जानने की इच्छा है। आचार्य ने शांतिपूर्वक समझाते हुए कहा, राजकुमार को सभी शिक्षाएं दी जा चुकी है, केवल इसी की कमी रह गई थी। इसे दंड न समझकर शिक्षा समझे। आपका पुत्र मेघवाहन इतना सुशील और आज्ञाकारी है कि इसे मारने पीटने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला, परंतु अब कुछ दिनों बाद यह राजा बनेगा, दुष्टों और अपराधियों को दंड देगा। उस हालात में इसे इस बात का अनुभव होना चाहिए कि अकारण ही यह किसी निर्दोष को दंड न दे। यह घटना इसे सदा याद रहेगी और जानबूझकर यह किसी निर्दोष को दंड नहीं देगा।